अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। यहां वो भाजपा के नए दफ्तर का उद्घाटन की तैयारियों को देखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जून को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। गोरखपुर से देखिए हमारे संवाददाता नीरज की एक खास। 2022 के विधानसभा चुनाव का किला फतह करने के बाद अब भाजपा की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि गोरखपुर के रानीडिया में हाईटेक भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है और 5 मंजिला जो भवन है उसे आप देख सकते हैं। ये 5 मंजिला जो भवन है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके साथ ही इसमें वार रूम और 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें 500 लोगों की बैठने की क्षमता है और एक में 100 लोगों के बैठने की क्षमता है और बैठक की जा सकती है। उसके ठीक सामने भव्य जो मैदान है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका लक्ष्य भेदने के लिए अब ये कार्यालय तैयार किया गया और यहीं से सारी जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसको जीतने का जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और उधर भाजपा के एमएलसी के उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने विधान भवन जाकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र कश्यप मौजूद नहीं थे, बीमार होने की वजह से उनके नामांकन की प्रक्रिया को सतीश शर्मा ने पूरा किया है। सबसे पहले आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको नामांकन के दौरान की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अलग अलग उम्मीदवारों के नामांकन की है। पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भूपेंद्र चौधरी की है जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बाद अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तीसरी तस्वीर जसवंत सैनी की है जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। चौथी तस्वीर में दानिश आजाद को देख सकते हैं। पांचवी तस्वीर में दयाशंकर मिश्र दयालु के नामांकन की तस्वीर आप देख रहे हैं। छठी तस्वीर जो है अन्य उम्मीदवारों के नामांकन की है। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान सीएम मौजूद थे, डिप्टी सीएम सहित भाजपा के अन्य नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।